दोस्तों जरूरी नहीं है कि हर अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करे, या ऐसा भी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म अच्छा परफॉर्म करे वो ऑडियंस को पसंद आए। कई बार दोस्तों घटिया फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई कर लेती है, तो कई बार अच्छी फिल्में भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर्स की उन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में और उन 10 फिल्मों के बारे में जो कि उनके करियर की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म बताई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस एक्टर की किस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की और ऑडियंस ने किस फिल्म को ज्यादा पसंद किया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए बॉलीवुड के टॉप 5 एक्टर्स के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर नाम आता है यहाँ पर सलमान खान का। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान जो की इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार रह चुके हैं। अभिनेता सलमान खान ने अपने करियर में कई सारी लाजवाब फिल्में दी है, जिसमें से बजरंगी भाईजान उनकी अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया था। वही अगर बात करें उनकी बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म के बारे में, तो दोस्तों उनके कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही है टाइगर जिंदा है, जिसने की बॉक्स ऑफिस पर लगभग 340 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार सलमान खान की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म बन जाती है बजरंगी भाईजान, वही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है टाइगर जिंदा है। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई? अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरे सुपरस्टार अजय देवगन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुपरस्टार अजय देवगन एक्शन हो या कॉमेडी सभी में ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। इनकी एक्टिंग का दोस्तों कोई भी तोड़ नहीं है। बात जब उनके कैरियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की आती है, तो दोस्तों सबसे नंबर 1 पर नाम आता है उनकी सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये फिल्म ऑडियंस को बेहद पसंद आई थी और इसी फिल्म के लिए दोस्तों अजय देवगन को नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं अगर बात करें दोस्तों उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी कुछ ही दिनों पहले उनके हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनी है तान्हाजी, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 278 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। हालांकि दोस्तों उनके कैरियर में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वहां पर दोस्तों भगत सिंह का ही नाम आता है। इस तरह से दोस्तों ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रहती है सुपरहिट। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर नाम आता है दोस्तों बॉलीवुड के आज के समय के सबसे बड़े सुपरस्टार और खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार का। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी है, लेकिन बात जब उनके बेस्ट परफॉर्मेंस की आती है तो सबसे नंबर 1 पर नाम आता है दोस्तों यहाँ पर एयरलिफ्ट का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एयरलिफ्ट उनके कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म है और इसी साल दोस्तों उनकी एक और फिल्म रुस्तम भी रिलीज हुई थी और इन्हीं दोनों फिल्मों के लिए दोस्तों अक्षय कुमार सर को भी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। अगर बात की जाए उनकी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म के बारे में, तो दोस्तों पिछले साल उनकी 4 फिल्में आई थी और चारों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार कमाई की थी। हालांकि दोस्तों उनकी सबसे कम रेटिंग पाने फिल्म हाउसफुल 4 उनके कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और इस फिल्म ने कमाई लगभग 212 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों आपको एयरलिफ्ट और हाउसफुल 4 में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने अपने फिल्मी कैरियर में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन बात जब उनकी बेस्ट फिल्म की आती है तो दोस्तों स्वदेश को कौन भूल सकता है। स्वदेश दोस्तों उनके कैरियर में अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्में हैं। हालांकि दोस्तों उनकी फिल्म माय नेम इज खान का भी कोई तोड़ नहीं है। इसी तरह की दोस्तों बहुत सारी फिल्में किंग खान ने ऑडियंस को दी है जिन्हें की ऑडियंस ने बेहद पसंद किया है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में, तो दोस्तों इनकी भी एक ऐसी फिल्म रही जिसने की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जिसका नाम रहा है चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों चेन्नई एक्सप्रेस ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 223 करोड़ रुपए की कमाई की है और इस तरह से यह फिल्म शाहरुख खान के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आपको दोस्तों स्वदेश और चेन्नई एक्सप्रेस में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान जो कि बॉक्स ऑफिस के किंग कहे जाते हैं, और जब बात आ रही है आमिर खान की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों के बारे में, तो दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उनकी सबसे ज्यादा पसंद की गई लगान का नाम ना आए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगान आमिर खान की अब तक
सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म है। जबकि दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म की बात की जाए तो यहाँ पर नाम आता है दंगल का। हालांकि दोस्तों आमिर खान की सभी फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हाईएस्ट ग्रोसर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई है और इस तरह से दोस्तों आमिर खान दंगल और लगान में दोनों में ही काफी अच्छा काम करने में कामयाब रहे थे। आपको दोस्तों दंगल और लगान में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई आप में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों अब यहाँ पर नंबर 6 की तो नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों बॉलीवुड के यंग जनरेशन सुपरस्टार रणबीर कपूर का। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कुछ अभिनेता डायलॉग्स के साथ भी बॉक्स ऑफिस पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहीं दोस्तों रणबीर कपूर ने अपने कैरियर में बर्फी जैसी फिल्म करके नेशनल अवार्ड प्राप्त किया था। बताते चले दोस्तों आपको कि बर्फी जो कि रणबीर कपूर के कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर रणबीर कपूर की सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर नाम आता है संजू बाबा की बायोपिक संजू का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2018 में रिलीज हुई फिल्म संजू ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और कमाए थे लगभग 342 करोड़ रुपए। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है संजू, वही सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म बन जाती है बर्फी। आपको दोस्तों रणबीर कपूर की इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी आप में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नंबर 7 की बात की जाए तो दोस्तों नंबर 7 पर नाम आता है रणवीर सिंह का, जो कि बॉलीवुड के एक एनर्जेटिक सुपरस्टार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रणवीर सिंह जिनका नाम आते ही ऑडियंस के दिल खुश हो जाते हैं। उनकी अगर सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म की बात की जाए तो दोस्तों इस लिस्ट में नाम आता है फिल्म बाजीराव मस्तानी का, जो कि उनके कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म है और इस फिल्म में उनके कैरियर का अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भी है। बताते चलो दोस्तों आपको कि बाजीराव मस्तानी में बाजीराव के किरदार के लिए रणवीर सिंह को भी नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था और यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म उनके कैरियर की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म बनी। वहीं अगर बात करें उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में तो दोस्तों 2018 में रणवीर सिंह की फिल्म रिलीज हुई थी पद्मावत, जिसने कि इंडियन बॉक्स ऑफिस के कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लगभग 302 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह से दोस्तों रणवीर सिंह की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है यहाँ पर पद्मावत, वही सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म बन जाती है बाजीराव मस्तानी। आपको दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात की जाए दोस्तों नंबर 8 की तो नंबर 8 पर नाम आता है दोस्तों यहाँ पर बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय शाहिद कपूर का। जी हाँ दोस्तों, शाहिद कपूर ने जब फिल्म हैदर की कहानी सुनी थी तो बिना किसी फीस के वे इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो चुके थे। दोस्तों बता दें आपको कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस तरह की कमाई तो नहीं कर पाई, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों हैदर उनके कैरियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म है। इस फिल्म के लिए भी दोस्तों शाहिद कपूर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं अगर बात करें उनके हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म के बारे में तो दोस्तों पिछले साल उनकी फिल्म आई थी कबीर सिंह, जो कि ऑडियंस के दिलों पर भी छा चुकी थी, साथ ही में बॉक्स ऑफिस पर भी राज किया था। इस फिल्म ने दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर लगभग 280 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और शाहिद कपूर के कैरियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस तरह से दोस्तों अगर देखा जाए तो शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह और हैदर में आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नंबर 9 की और नंबर 9 पर नाम आता है दोस्तों बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी कैरियर में कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर उनके सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर नाम आता है फिल्म गुजारिश का और कहो ना प्यार है का। कहो ना प्यार है ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और आज तक की बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म है। इस फिल्म में दोस्तों ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग रही थी। वही दोस्तों उनकी दूसरी फिल्म गुजारिश में भी उन्होंने काफी लाजवाब काम किया था। वही अगर बात करें उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर नाम आता है फिल्म वॉर का, जो कि पिछले ही साल रिलीज की गई थी। दोस्तों बताते चले आपको कि वॉर ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 320 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और इस तरह से दोस्तों यह फिल्म उनके कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों आपको कहो ना प्यार है और वॉर में कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नंबर 10 की और नंबर 10 पर नाम आता है दोस्तों नए जनरेशन के सबसे बड़े सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यू जनरेशन में अगर किसी सुपरस्टार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 15 करोड़ से 25 करोड़ तक की ओपनिंग ली है तो वो सुपरस्टार है यहाँ पर टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ की दोस्तों हालांकि ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो कि उनके कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कही जाए, लेकिन अगर बात की जाए उनके सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के बारे में तो इस लिस्ट में दोस्तों नाम आता है फिल्म वॉर का और बागी 2 का। इन दोनों ही फिल्मों ने दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ और 150 करोड़ की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही।
हालांकि दोस्तों उनके कैरेक्टर को वॉर फिल्म में काफी पसंद किया गया और वॉर फिल्म उनके कैरियर की अब तक की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म भी है। तो दोस्तों ये तो रही बॉलीवुड के टॉप 10 एक्टर्स की सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्म और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट। आपको क्या लगता है दोस्तों इस लिस्ट में अब और कौन कौन से सुपरस्टार होने चाहिए? आप में अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड के न्यूज के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।